नाम डॉक्टर जी डी भार्गव है, मैं रिप्रेजेंट करता हूँ अवर ब्रेन और लाइफ को। आज हम बात करने जा रहे हैं काउंसलिंग क्या होती है। बहुत सारे मिथ हैं लोगों के दिमाग में, इस वीडियो को देखने के बाद वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, काउंसलिंग क्या होती है, क्यों लेनी चाहिए, ये दोनों चीजें और इससे क्या बेनिफिट हो सकता है। तीन टॉपिक, काउंसलिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट है और क्यों लेनी चाहिए। बस इसके जो मिथ हैं, जो भी आपको समझाए, क्योंकि आजकल वही मैंने एक वीडियो में बताया था पिछले में, अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे ज्ञान बांटने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो आप उनसे बाहर आ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं काउंसलिंग होती क्या है। काउंसलिंग मींस सजेशन, सलाह देने। सलाह, तो सलाह कौन दे सकता है, सलाह सब लोग दे सकते हैं, मदर, फादर, ग्रैंड फादर, फैमिली मेंबर, ब्रदर, बड़ा भाई है, छोटा भाई है, छोटा भी दे सकता है, ठीक है। तो सलाह जो दे रहा है वो है। अब क्वेश्चन राइज करता है कि उनकी जो सलाह है वो इम्पैक्ट करती है, नहीं करती, कितनी करती है। तो ये सलाह है, पहले तो हम इसका मिथ तोड़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ सलाह कब कब इम्पैक्ट करेगी और कब कब इम्पैक्ट नहीं करेगी। मिथ क्या है कि भाई मैं किसी काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट में क्यों जाऊं, मेरा कोई दिमाग खराब है। भाई मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, किसी की टांग में कोई प्रॉब्लम हो तो वो डॉक्टर पे जाता है या नहीं जाता है, या वो कहता नहीं मेरी टांग टूट गई है, मैं कहीं जाऊंगा नहीं, खत्म हो गई, ठीक है ना। हमें यह समझने की जरूरत है कि माइंड क्या है और ब्रेन क्या है। ब्रेन ये स्कल है, ये जो स्कल देख रहे हैं ना आप, ये स्कल खोपड़ी जो आपको बाहर दिखती है, ठीक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, केमिकल की प्रॉब्लम हो गई, इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई, कोई और चोट लग गई आपको, तो आप नहीं जाएंगे, आपको लेके जाएगा कोई, और फिर साइकेट्रिस्ट या न्यूरोसर्जन, ये दो लोग आपका इलाज करेंगे, और उसके लिए जो भी इलाज करेंगे मेडिसिन देंगे। लेकिन काउंसलिंग के लिए जिसका ये ठीक है बिल्कुल, माइंड में प्रॉब्लम हो गई, अब हम इसका एग्जांपल और आसान कर देते हैं आपको समझने के लिए। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप चलाते होंगे घर पे, तो एक तो हार्डवेयर होता है उसका और एक सॉफ्टवेयर होता है। अब मैं ये लेके चलता हूं कंप्यूटर का हार्डवेयर खराब हो गया, क्या फेंक देते हैं आप? हमारे यहाँ तो दिल्ली में कहते हैं कि भाई टांग टूट जाए, एक लेडी चलते हुए गिर गई, टांग कट से आवाज आई, तो भाई भगवान मेरी टांग हो, आईफोन नहीं होना चाहिए, चीज तो नहीं टूटनी चाहिए। तो वैसे ही अगर कंप्यूटर का हार्डवेयर खराब हो गया तो आप क्या करेंगे, या तो आपको कंप्यूटर रिप्लेस करना पड़ेगा या वो पूरा हार्डवेयर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए डेफिनेटली आपको साइकेट्रिस्ट या न्यूरोसर्जन चाहिए, उसके बिना ठीक नहीं हो सकता। लेकिन उसका सॉफ्टवेयर खराब हो गया, जिसमें विंडो आप जो यूज करते हैं वो खराब हो गया, क्या करते हैं, फेंक देंगे या बोलेंगे ये कंप्यूटर खराब है, एंड विंडो खराब हो गई। तो वैसे ही माइंड क्या है, सॉफ्टवेयर है आपके माइंड बॉडी का, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो ठीक हो सकती है। क्यों किसी को ब्लेम कर रहे हो आप कि तू पागल है? आप बताइए किसी को कि मैं काउंसलिंग लेने जा रहा हूं, 10 लोग में से 8 लोग आपको ब्लेम करेंगे। ये मिथ है भाई, मिथ, इसको तोड़ दीजिए। जैसे सॉफ्टवेयर विंडो का करप्ट हो गया, नया सॉफ्टवेयर डल जाएगा, उस सॉफ्टवेयर की कोई फाइल डल जाएगी, वो ठीक हो गया, काम करेगा, वैसे ही माइंड की थॉट प्रोसेस चेंज हो जाएगी आपकी, काम करो। और क्या क्या प्रॉब्लम होगी, अगर सॉफ्टवेयर काम भी करेगा तो कंप्यूटर चलेगा ही, कितना भी महंगा कंप्यूटर, वैसे ही अगर आपके माइंड का इशू हो गया, थॉट्स का इशू हो गया बेसिक माइंड में, तो क्या होगा, आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, जॉब में सेटलमेंट नहीं होगी, कॉर्पोरेट प्रेशर्स हो जाएंगे, आप मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हैं डिटेल में जब भी देखना हो, फैमिली लाइफ में डिस्टरबेंस होगी, ठीक है, और बॉडी में इसके इंपैक्ट आने शुरू हो जाते हैं। जब आप 25 से 30 साल के हो, बॉडी यंग होती है, पार्ट्स नहीं होते, जैसे होता है ना कि नया नया आदमी कोई ड्राइवर गाड़ी सीखता है, वो क्लच को दबा के रखता है गाड़ी सीखने में, तो क्लच सहन कर लेती है, बट अगर 80-90 हज़ार किलोमीटर चली हुई गाड़ी की क्लच दबा देगा कोई, तो आपको मालूम है क्या, बंद हो जाएगी,
ठीक है, और ऐसा ही ये बॉडी में पेन शुरू हो जाती है, हार्ट अटैक आ सकता है, थायराइड कॉमन प्रॉब्लम, माइग्रेन, सर्वाइकल, बीपी, ये सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस के हैं, शुगर, और गिफ्ट भी आती हैं, आप खरीद रहे हैं इनको खुद सिर्फ इस ईगो में कि मेरे को ठीक नहीं करना है, मैं पागल नहीं। इस मिथ से बाहर आ जाए प्लीज, इस मिथ से जितना आप बाहर आ जाएंगे उतनी जल्दी अपने को रिकवर कर, ठीक है। अब हम आते हैं काउंसलिंग कौन कौन देता है, जो मैं पहले टॉपिक शुरू किया था, इसमें काउंसलिंग घर में सब लोग दे सकते हैं, लेकिन उसमें ना माइंड की दो प्रॉब्लम, जैसे विंडो, मैं विंडो वाला ही एग्जांपल देना चाहूंगा, विंडो में आपकी विंडो करप्ट हो गई तो क्या करता है सॉफ्टवेयर, आपसे पूछता है इसको रीबूट कर दूं, करेक्ट, अगर वो रीबूट से अपने आप ही ठीक हो गया तो बहुत ही अच्छा, तो ये जब तक इन लोगों की सलाह काम करती है जब वो विंडो अपने आप रीबूट हो सकता है, लेकिन कई बार वो रिकवर नहीं होता, तब आपको पर्टिकुलर प्रोफेशनल चाहिए होता है जो उसकी फाइल्स को अपग्रेड कर दे, और उसी की फाइल्स को अपग्रेड करने के लिए जैसे वहां कंप्यूटर का इंजीनियर चाहिए आपको, यहाँ आपको माइंड का एक्सपर्ट चाहिए जो डिफरेंट थेरेपीज लगाते हैं, जो डिफरेंट थॉट प्रोसेस हैं, डिफरेंट थेरेपीज के साथ कमांड्स हैं जिनके थ्रू ठीक होता है, ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ गया, एक तो काउंसलिंग जो जो लेते हैं भाई वो पागल नहीं है, प्लीज उनको ऐसा मत बोलिए, अगर आप बोल रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने आप को जज करना चाहिए। दूसरा, काउंसलिंग क्यों चाहिए वो आपको समझ आ गया होगा, अब काउंसलिंग से होगा क्या और ये सडनली ब्रेकडाउन कैसे हो रही है, इसका मैं एक महाभारत का आपको एग्जांपल देना चाहता हूं। 13 साल लगभग, 12 साल वनवास में रहे पांडव और 1 साल वो अज्ञातवास में रहे, और हर दिन हर पल अर्जुन ये सोचता रहा मेरे को वध करना है, मेरे को वध करना है, मेरे को दुर्योधन एंड पार्टी को फिनिश करना है। क्या हुआ, जब लड़ाई शुरू होने लगी तो हथियार उठाने से मना कर दिया। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है बहुत बार, हम इग्नोर कर देते हैं। आपने बहुत अच्छी तैयारी करी, बहुत अच्छी प्रिपरेशन करी, एग्जाम पास नहीं हुआ, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर सकते हैं, कोई और लोअर एग्जाम पास हो सकता है, हो सकता है हमारी कैपेबिलिटी का इशू, लेकिन क्या हम इस पर सोचते हैं, नहीं, हम रो रो के बुरा हाल कर लेते हैं। इस वजह से कॉन्सिक्वेंस है, आप में ये स्ट्रेंथ आ जाएगी कि मेरे को ये लड़ना है, जैसे अर्जुन में ये स्ट्रेंथ थी, 13 साल सोचा बट लड़ा नहीं, पागल जैसा बिहेव कर रहा था, इसलिए हम पागल बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो इमोशनल है, इमोशन से ऐसा कर रहा है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा कि उसमें होगा क्या, तो 18 अध्याय हैं गीता के, जो वेद और पुराण का सार, भगवान कृष्ण ने 18 अध्यायों में अर्जुन के पूरे माइंड का कायाकल्प ही चेंज कर दिया, और वो इतना चेंज कर दिया कि आप समझिए किसी भी इंसान का, भगवान ना करे एक जवान लड़का मर जाए तो अगले दिन वो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा, लेकिन अर्जुन का जवान लड़का मर गया अभिमन्यु, और उसने अगले दिन लगभग जितना उसने 10-11 दिनों में मारा था लोगों को, उतना उसने एक दिन में मार दिया, कितना बड़ा मोटिवेशन उसको मिला। तो इसलिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कभी नहीं डरना चाहिए कि काउंसलिंग में नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाना चाहिए, जो भी आपके नजदीक हो, जो भी जिससे आपका कंफर्ट हो। अब काउंसलर में क्यों जाना चाहिए, एक तो मैंने बताया कि माइंड रीबूट हो नहीं पा रहा तो काउंसलर ही करेगा, दूसरा क्या है, आजकल का थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया है, ये भी आपको समझने की जरूरत है, किससे सलाह लोगे, फ्रेंड से, कोई भी दोस्ती किसी ना किसी एहसान पे होती है, मेरी बात बिल्कुल गौर से सुनना, कोई भी दोस्ती या तो एहसान पे होती है और या स्वार्थ पे होती है,
अगर स्वार्थ पे होगी तो वो आपका कभी भला नहीं चाहेगा, ठीक है। और अगर एहसान पे होगी तो करण की तरह चुपचाप बैठा रहेगा, मरवा देगा सब। करण कितना भी अच्छा दोस्त हो, अगर वो जाके दुर्योधन को बता देता कि मैं युधिष्ठिर का बड़ा भाई हूं तो कुछ होता ही, आप समझिए। युधिष्ठिर ही राजपाट छोड़ के चला जाता और सारी लड़ाई खत्म, लाखों करोड़ों लोग मर गए। तो दो ही मुद्दों में दोस्ती होती है, या तो एहसान या स्वार्थ। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, मेरा दोस्त है, ये मेरा बहुत ही जिगरी है, पर एहसान। और अब आते हैं पेरेंट्स की। पेरेंट्स में ना दो चीजों का डिफरेंस हो सकता है, एक तो जिसको हम जनरेशन गैप बोलते हैं। जनरेशन गैप मतलब हो सकता है वो आपके लिए बहुत उसने मेहनत की, लेकिन वो एक टेक्स काम करता हो, मान लो वो बिजनेस करता है, ट्रेडिंग, सब्जी की ट्रेडिंग करता है, और आप हो गए कंप्यूटर इंजीनियर, आपके और उनके विचारों में डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने आप को नीम का पत्थर बना लिया है। और भाई कोई भी घर दोस्तों, कोई भी घर मजबूत तभी होगा जिसकी नींव बहुत मजबूत, उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस दिया, आपको रिगार्ड करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि जनरेशन गैप की वजह से आपको उनके विचार अच्छे नहीं लगेंगे, हो सकता है वो गैप हो, तो उसमें क्या दिक्कत है, इसलिए आप प्रोफेशनल पे जा रहे हैं। प्रोफेशनल आपकी सारी बातें कॉन्फिडेंशियल रखेगा, आप उसको पे कर रहे हैं, वो आप पे एहसान नहीं कर रहा, उसका कोई स्वार्थ नहीं है। और किसी काउंसलर का कोई स्वार्थ हो, मेरे पास आते हैं उसके बिल्कुल मत जाइए, वो आपको ठीक नहीं कर सकते, बिल्कुल स्वार्थ पे नहीं है। पेमेंट दे रहे हैं, काम ले रहे हैं, दिस इज द प्रोफेशन। सो इसलिए अब इस वीडियो में तीन चीजें क्लोज की हमने, काउंसलिंग वहम हटा दी, मिथ खत्म, ये काउंसलिंग एक मिथ है, पागलपन है, खत्म, बाहर आ जाइए उससे। दूसरा, काउंसलिंग क्यों चाहिए, मैंने अर्जुन वाला एग्जांपल दिया, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। आपकी लाइफ में भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे कॉलेज में, रिलेशनशिप में। और तीसरा, हमें पुरानी चीजें कई बार मिथ में डाल देती हैं, जैसे अर्जुन अपने रिलेशनशिप के मिथ में चला गया। और ये इसका मैं लाइट से मोड़ पे बोल के वीडियो को खत्म करता हूं। आप में से जिन जिन की शादियों को 15 साल लगे, 10 साल या 15 साल हो गए, मतलब बच्चे बड़े हो जाने चाहिए, आपके टीनेज होने चाहिए, ईमानदारी से आज शाम को बैठ के सोचिएगा, जब भी आप सुबह की चाय ले रहे हैं, अच्छी बढ़िया चाय है, पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सडनली वो क्या बोलेगी, मैं जब ब्याह के आई थी, हरियाणा में बोलते ना ब्याह के, मतलब मैं शादी करा के जब आई थी, तुम्हारी बहन ने मुझे ऐसा क्यों बोला। आपको लगता नहीं ये मेमोरी हट जानी चाहिए, इसका इम्पैक्ट हट जाना चाहिए, और हट सकता है, बट हम क्या है, वो सारा दिन सहन करने को तैयार हैं, पूरे दिन का मूड ऑफ, लड़ाई हो गई। या रिवर्स, आप भी ऐसा करते होंगे, आप गए ससुराल, 20 साल हो गए, फूफा बन गए, अभी आप जीजा रहे नहीं उस परिवार के, तो भी आप उसी टोन में हैं, और सडनली बोलेंगे मैं तो पहले दिन से बियर कर रहा हूं, तुम्हारा चाचा मेरे से अच्छे से बोलता है, तुम्हारा मामा मेरे से अच्छे से बोलता है। अगर वो उस जमाने में हुआ भी हो, मैं मान लेता हूं उस टाइम आपको रिगार्ड नहीं मिला, दोनों ही केसेस में, क्या 20 साल तक आपको कैरी करना चाहिए? आपको नहीं लग रहा कि आप वो रिगार्ड नहीं मिला का जो पेन है लगातार कैरी कर रहे हैं, पर डे कैरी कर रहे हैं, तो बॉडी में क्यों नहीं आएगा पेन? मोटापा बढ़ जाएगा, वेट गेन कर रहे, जो मैंने प्रॉब्लम पहले बताई है सारी, मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, वो सारी प्रॉब्लम आपको हो जाएगी। So, इसलिए काउंसलिंग जरूरी है, और हमें समाज में ये बड़ी जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। अगेन मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर शेयर करें जिनको ये जरूरत है, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क ऑन द कमेंट, वी विल रिप्लाई ऑन दैट। कोई भी क्वेरी हो, प्लीज आस्क, हमारे नंबर हैं इसमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए और वीडियो को देखने के लिए। फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, नमस्कार।